गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई व्लॉग। आप देख रहे हैं सफ़रनामा विद मोहित एंड आई एम इन मेघालय। आज हमारी डेस्टिनेशन होगी शाम तक डाउकी रिवर, दैट इज़ द क्लीनेस्ट रिवर इन एशिया। हम कैसे ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ से? प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे हिचहाइक से, जो कि यहाँ से 130 किलोमीटर के आसपास है। अभी मैं हूँ चेरापूंजी में और जहाँ हमने रात का स्टे किया था, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। सो दिस इज़ अ स्कूल, अ प्राइवेट स्कूल। इसमें एक भैया से हमने पूछा हम यहाँ पे कैंप कर सकते हैं, बट रात को वेदर थोड़ा रेनफॉल जैसा था तो उन्होंने बोला भाई ये आपके लिए सेफ नहीं होगा, यू कैन कैंप हेयर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, पर मैं आपको एक सेफ जगह दे देता हूँ। उन्होंने इसको डोमेट्री में कन्वर्ट करे, लाइक दे आर मेकिंग अ हॉस्टल हेयर। सो दिस इज द एंटायर प्लेस। ये क्लासरूम थी यहाँ की एंड हमने बैकपैक पूरे कर लिए। ये शक्ति भाई का बैकपैक है, ये मेरा है। वहाँ पे गैजेट्स चार्ज हो रहे हैं। ये पूरा खाली एरिया है, पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है, बस हम लोगों ने कैंप किया हुआ था, मैं और वो शक्ति। सो अभी हम निकलते हैं यहाँ से डाउकी के लिए एंड लेट्स सी व्हाट इज द प्लान। एज यूजुअल वी डोंट प्लान एनीथिंग, हम फ्लो के साथ चलते हैं। कल थोड़ी बारिश में गीले होने के कारण जुकाम हो गया है, जस्ट बिकॉज जब हम ट्रैक कर रहे थे डबल डेकर ब्रिज से वापस तो बीच में थोड़ी बारिश हो गई थी। एंड आपको पता ही है चेरापूंजी इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है। सो गाइज अब आपको मिलते हैं सीधा रोड पे। अगर हिचहाइक करी तो गाड़ी में मिलेंगे, वरना वेट करते हुए मिलेंगे रोड पे। सो हिट अ लाइक बटन। सो ये जो फोटो आपको दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे रुके थे एंड वहाँ पे भैया है, उनका हॉस्टल है। ये न्यूली बिल्ड है और मेरे हिसाब से पूरे चेरापूंजी में इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी रोड पे आ गए हैं, जस्ट थोड़ा सा कैश विड्रॉल किया एंड स्टार्टेड टू हिचहाइक। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है डाउकी पहुंचने में। लेट्स सी हाउ इट गोज। ब्रो वेयर आर यू गोइंग? Shillong. Bro, can you drop till that cut where we have to go to Dawki? I have no money, bro. I am solo traveler. I have no problem. Thank you. अभी पहली लिफ्ट मांगी और पैसे मांगने लग गए, बट इट्स ओके। सो लगभग आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, अभी तक तो कोई आया नहीं है हमें ले जाने वाला। बाकी देखते हैं कोई और आएगा हमें लेने। लेट्स ट्राई दिस कार। अरे ये पेट्रोल पंप पे जा रही है, फुल है ऑलरेडी। कीप वेटिंग। डाउकी हम पुलिस वाले से बात करने आने वाले थे जब इधर आता। नहीं मैम, आई टॉक टू हर। और लगभग 40 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई थी, और जो लिफ्ट मिली थी वो थी एक पुलिस कार में, और जो पुलिस कार में जो ऑफिसर्स थी वो एक मैम थी। तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया जस्ट बिकॉज उन्होंने मना कर दिया। आई वॉन्टेड अ सेल्फी विद हर, बट उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस प्लीज़ डोंट। वेटिंग फॉर द सेकंड लिफ्ट। ये हाईवे ऐसा है जो यहाँ से लोग जाएंगे ज़्यादातर सीधा ही जाएंगे, तो प्रोबेबली जो लिफ्ट मिलेगी हमें सीधा डाउकी की मिलेगी। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30 के आसपास, तो यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है वैसे। लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है, 1 घंटा या 2 घंटा या आधा घंटा यहाँ पे, या फिर उससे भी कम। सो होप फॉर द बेस्ट गाइस। हिट अ लाइक बटन इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। सो दिस इज़ द वे टू चेरापूंजी और दिस इज़ द वे टू शिलोंग, और हम लोग इस रास्ते से आए थे ऐसे। नाउ विल गो टू दिस रोड एंड दिस इज द ब्यूटीफुल एक्चुअली। लुक एट द ब्यूटीफुल स्काई। चेरापूंजी वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। एंड यहाँ मेरे रखे हैं बैकपैक, और सामने ये नदी जो कि रेनफॉल टाइम में मेरे ख्याल से फुल होके चलती होगी। और यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने पूछी थी, वो जो सामने जगह है वहाँ पे माइनिंग होती है माउंटेन्स की, जस्ट बिकॉज यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, जो माइन होके बांग्लादेश जाती है, जिन पत्थरों से सीमेंट बनता है। सो दैट इज़ वाई द वाटर इज बिट नॉट क्लीन, क्योंकि वहाँ की माइनिंग की जो गंदगी है वो इसमें डाली जा रही है। जस्ट हैड अ लोकल मील, जो मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट किया, अगर आपने देखा है और या नहीं देखा तो देख लो। इट वाज जस्ट फॉर 50 रुपीज, तो शाम तक का काम चल जाएगा। आप ये छोटी सी दुकान है, इन्होंने दिया था उन्हें शर्म आ रही है। सो लेट इट बी। गॉट अ लिफ्ट आफ्टर वेटिंग 15 मिनट्स। फ्रॉम देयर यू आर कमिंग बाय व्हिच व्हीकल? वी केम विद अ पुलिस व्हीकल। अ फीमेल लेडी या ऑफिसर ड्रॉप्ड अस टू हियर। उन्होंने लिफ्ट दिया है। दिस कार इज बुलेरो एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग दिस टाइम एंड लुक एट द व्यूज हियर। ये लिफ्ट लगभग 20 से 22 किलोमीटर की है। उसके बाद डाउकी बचता है हमारा 35 किलोमीटर्स के आसपास, तो प्रोबेबली हमें अगर वेट भी करना पड़ा तो भी 1 घंटा लगेगा, हम पहुंच जाएंगे। Thank you so much. It's okay. Almost on the top of Meghalaya's mountains and this is the beautiful view जो हम लोग का यहाँ से दिख रहा है. इतना blue sky with these beautiful clouds in between. दिखाता हूँ आपको कितना ही beautiful है. Look at this. Wow. Thank you uncle. Because the view was so beautiful, अंकल ने बोला enjoy करो और हम लोग रुक गए. वो पीछे हैं और उनका गांव इधर ही कहीं आसपास है. So वो दिखा रहे थे कुछ वहाँ छोटे छोटे जो दिख रहा है. That is the beautiful villages. So he is the man. This is the car. This is me. Subscribe to my channel Safarnama with Mohit for this beautiful vlogs, beautiful adventure. मैं आपको टेम्परेचर फील नहीं करा सकता वरना दिस टाइम अलग ही लेवल है. लाइक इट इज ऑलमोस्ट टेम्परेचर 12 होगा बट ठंड उतनी नहीं है पर बहुत ठंडी ठंडी हवा है. Just camping and enjoying this beautiful evening. Thank you so much for your love guys. अभी हम व्लॉग का लास्ट सेट कंप्लीट कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू फायर. कुछ स्टिक्स मिली हैं एंड ही इज फ्रॉम केरला एंड दिस गाय आई एम यूजिंग माई लेंसेज एंड वहाँ पे हमारा कैंप है एंड कुछ लोग वहाँ से उठा रहे हैं लकड़ियाँ. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी आई कैन हैव फ्रॉम मेघालय. होपफुली यू गाइज ऑल्सो. यो know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we. Know that they guys. Finally, I reached Dawki River, one of the best place ever seen in my entire life. मैं आपको ये river सुबह दिखाऊंगा just because हमने अभी camp किया है और ये मैं phone की flash से use कर रहा हूँ इतनी light because and अगर अपना camp करते हो तो भी पेड़ है ये जगह और अगर इन लोगों का camp use करते हो तो भी पेड़ है. तो इस चीज़ों के बारे में मैं आपको एक नई video में बता दूंगा कितना पैसा लगता है और exactly जो location है डाउकी river वहाँ पे नहीं आना होता है. उसके आगे एक जगह है. Bro, which place is this? Spongyung. Spongyung. Huh? Spongyung. Okay, I will mention the name below. It is something like Spongyung. Because next vlog आप continue करना because that would be the best vlog. You will be seeing the Meghalaya's, the Asia's cleanest river. So guys, subscribe my channel Safarnama with Mohit. Stay connected with this adventure and we'll just enjoy together. Bye, good night, take care. Be connected in the next coming vlog.